बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वर्मी सलीज की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी सवैयों की। सवैयाँ जो भून के हम बनाते हैं, सूखी सवैयाँ भून के जो हम बनाते हैं विदाउट मिल्क। तो बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। ख़ास तौर पर इसमें देसी घी से बनाई जाए तो बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ देसी घी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने एक पैकेट जो है सवैयों का लिया है और 3 टीस्पून जो है मैंने देसी घी लिया है। ठीक है, घी ज़्यादा इसमें नहीं डालते वरना फिर वो ऑयली सी बन जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने आलमंड ले लिए हैं कुछ, और कुछ हमने रेजन ले लिए हैं, कुछ हमने पिस्ताशियो ले लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रीन कार्डमम यानी छोटी इलायची है, और इसके अलावा शुगर हमने 5 टीस्पून ली है, और आधा ग्लास हम वाटर लेंगे। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चास बनाएंगे हम पानी और शुगर से। ये जब चास तैयार हो जाएगी उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इलायची को देसी घी में भूनेंगे, और जब इलायची थोड़ी सी सौते हो जाएगी और खुशबू आने लगेगी तो फिर हम उसमें जो है वर्मी सलीस को जो है भून लेंगे 1 से 2 मिनट के कलर हल्का सा चेंज हो जाए। ठीक है, इसके अलावा फिर हम इसमें चास ऐड कर देंगे और बादाम पिस्ते वगैरह ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी सवैयाँ आज बनने वाली हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चास के लिए हम पानी और शुगर ऐड करते हैं एक बर्तन में, और हम चास बनाते हैं जी। एक पैन मैंने ले लिया है और इसमें मैंने शुगर और वाटर ऐड कर दिया है। ये हमारी चास तैयार हो जाएगी जी। दूसरे पैन में मैंने देसी घी ऐड कर दिया है और छोटी इलायची जिसको हम हल्का हसा सौते करेंगे। अच्छी तरह से दोनों बर्तन को हमने वॉश किया था, और जिसमें हमने इलायची को सौते करना है उसको अच्छी तरह खुश किया है, क्योंकि उसमें मैंने जो है देसी घी ऐड करना था। ऑयल जो है वो जिसकी वजह से आग लग सकती है, तो पानी जो है वो देखची में नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से हमने खुश किया, उसके बाद हमने ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें जो है छोटी इलायची ऐड की है, इसको हम सौते करेंगे जी। इलायची का कलर जो है, दोनों इलायचियों का कलर जो है चेंज हो चुका है, खुशबू आने लगी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें वर्मी सलीस यानी सवैयाँ ऐड करूंगी, और सवैयों को मैंने पहले से ही तोड़ लिया था जी। सवैयाँ मैंने ऐड कर दी हैं, सवैयों को हल्का सा हम सौते करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे देसी घी में, और इसको हल्का सा सौते करेंगे जी। कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमने सौते की हैं सवैयाँ। और अब हमने जो है फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, और चास इसमें ऐड करेंगे। देखते हैं चास तैयार हो चुकी है या नहीं जी। चास जो है तैयार हो चुकी है, फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। शुगर अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है, और अब चास हम सवैयों में ऐड कर देते हैं और फ्लेम को मैं ऑन कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे सवैयों को जी। हमने जो चास अंदर डाली है, इस चास को जो है अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे, और इस तरह से सवैयाँ जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएंगी जब चास अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी तो सवैयाँ बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगी जी। जो हमने चास ऐड की थी वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है, और वर्मी सलीस यानी सवैयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम जो है इस पर किशमिश वगैरह और बादाम पिस्ते वगैरह ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी सवैयाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ जी। डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं वर्मी सलीस हमारी तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।